और सभी के पास हमारे नंबर्स सेव होंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं। यह कोर्स जो है आपके सवालों और जवाबों से आगे बढ़ने वाला है कि आप बीच बीच में सवाल भी करेंगे और जब हम सवाल करेंगे तो आप जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? और किसी को कुछ बोलना हो तो आपको हैंड रेस वाला जो ऑप्शन है उसमें जाकर आपको बोलना है कि मुझे कुछ बोलना है, हैंड रेस कीजिए, आपको बोलने के लिए अनम्यूट किया जाएगा। और ऐसा समझिए कि ये कोर्स जो है एक बैडमिंटन का गेम है। बैडमिंटन का गेम कैसे कि भाई एक तरफ से खड़ा है नेट के एक तरफ और दूसरी तरफ जो दूसरा खड़ा है, तो एक ही आदमी सिर्फ खेलता रहे, मैं सिर्फ बोलता रहूं और आप उधर से जवाब ना आए तो वो मजा नहीं आता है ना। ओन गोल की तरह हो गया कि मैं अकेला खेल रहा हूँ फुटबॉल और वहां पर नेट में बचाने के लिए भी कोई नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग हमारी बातों का उत्तर भी दें और आपकी तरफ से सवाल भी आए। ओके, और ये मान के चलिए कि हम जो यहाँ पर बोलने वाले हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। हम आपके साथ में कुछ बात रखने वाले हैं, आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में वो अप्लाई होता है कि नहीं है। बहुत सी चीजें आपको लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज अप्लाई हो रही है तो वो आपका, अगर नहीं हो रही है तो उसको छोड़ दीजिए, अटकिए मत। कि जैसे इमेजिन कीजिए कि आप कहीं जा रहे हो रेडीमेड की दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए, ये तो एक्सपीरियंस सभी को होगा कि आपने एक शर्ट ट्राई किया, आपको अगर पसंद आया तो आपका, नहीं तो दुकानदार का और दूसरे और सारे हैं। बस सेम, हाँ गजानन जी आ गया, तो सेम सेम वैसे ही राइट। हाँ आप हैंड रेस करके अनम्यूट कर सकते हो। अंकित, गजानन जी को अनम्यूट कीजिए। यस सर। 28GZ यस सर। हेलो। हाँ सर, नो सर, मुझे कुछ नहीं पूछना था। वो आपका आवाज अटक रहा था ना, इसलिए। ओके ओके, इज इट क्लियर नाउ? हाँ यस सर। ओके, थैंक यू गजानन जी, है ना, आपने इस बात पर ध्यान दिलवाया हमारा, थैंक यू हाँ थैंक यू सर। थैंक यू। सो हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किस चीज से संबंधित है। तो देखिए, हमारी जिंदगी जो है वो अधिकतर टाइम ऑटो पायलट मोड पर रहती है। मतलब सुबह उठने से तो रात को सोने तक हम लोग ऐसे प्रोग्राम्ड है कि जैसा ऑटो पायलट वाला प्लेन होता है कि उसमें पायलट की जरूरत ही नहीं है, पहले से तैयार है। उड़ना कहाँ से है, कितनी देर उड़ना है, कौन सी लेवल पर उड़ना है, लैंड कहाँ होना है और कब होना है, ये सारी चीजें पहले से प्रोग्राम्ड है, राइट अथर्व? तो ऐसे ही हमारी लाइफ है कि हम दिन भर सुबह उठने से तो हमको पहले से मालूम है कि किसके साथ में क्या बोलना है, किसने क्या बोला तो उसको रिएक्ट कैसे करना है, किसी के एक्शन का हमको रिएक्शन क्या देना है, ऐसे चलते रहता है जैसे कि बिना पायलट वाला प्लेन, राइट? अर्पित, गेटिंग इट? और मजे की बात यह है कि ये हमको मालूम नहीं है कि हम लोग ऑटो पायलट मोड पर है। ऑटो पायलट मोड पर है ये पता नहीं है, इसके लिए हमारी लाइफ जो है ये हमारे हाथ में रही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ परिवर्तन लाने के लिए, फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो इन सारी चीजों के जवाब भी आपको कोर्स के दौरान मिलेंगे। सो हर स्थिति, हर व्यक्ति, समाज, इनकी जो क्रिया होंगी उस पर हमारे रिएक्शन क्या होंगे, एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, ये पहले से तय है। और ये जो है ये सबका सब भूतकाल से आता है, पास से आता है। तो ऑटो पायलट मोड का प्रेजेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो भी है सब पास्ट में बना हुआ है, पास्ट के हिसाब से हम लोग दिन भर जीते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतर का मतलब है कि लगातार हमारा ध्यान जो है वो वर्तमान पर रहे, प्रेजेंट जो है वर्तमान काल जो है उस पर हमारा ध्यान रहे, और भूतकाल की बातों का और भूतकाल में हमने जो भूलें की है, जो गलतियां हमने की है, उसका हमारे जीवन पर असर ना हो। तो थोड़ा और विस्तार में जाते हैं हम कि आपको क्या लगता है कि आदर्श मानव जीवन के गुण क्या है, कि एक आइडियल ह्यूमन बीइंग का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए?
अलसिया को कुछ कहना है? हाँ जी, हाँ जी, यस प्लीज। अलसिया आप बताइए। उनको अनम्यूट किया आपने? यस। हाँ अल्फिया जी, हाँ जी। सर मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है? सर मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी दिख रहा है? अम्मा नहीं सर आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। अल्फिया आपको सुनाई दे रहा है? अभी वॉइस भी नहीं आ रही आपकी। आएगी आपको। आपके पास में, आपके पास में कमलेश का नंबर होगा या आपके टीम मैनेजर का नंबर होगा? ओके ओके, आपके टीम मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए प्लीज। ओके थैंक यू। ओके सो हाँ अल्फिया, आपसे सवाल करूं? हाँ, आपको क्या लगता है कि एक आइडियल ह्यूमन बीइंग का जो जीवन है, जो लाइफ है, वो कैसे चाहिए? सर यहाँ ऋषिकेश है। हाँ यस ऋषिकेश। हाँ ऋषिकेश। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ जी सर, आर यू हियर मी? यस यस सर, आपका जो वीडियो है वो विजिबल नहीं है। हाँ मैंने ऑफ किया एक्चुअली, कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो एक एक चीज बंद करके और आगे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, इसीलिए मतलब उसका कोई प्रॉब्लम है क्या? वो विजिबल नहीं है क्लियरली। हाँ अभी ओके। हाँ हाँ अभी आ रहा है। ओके ओके। हाँ ऋषिकेश जी, ये आपसे मैं सवाल करता हूँ अभी एक जी, कि आइडियल ह्यूमन बीइंग का जीवन कैसे होना चाहिए? आइडियल ह्यूमन बीइंग, हाँ आई थिंक आइडियल ह्यूमन बीइंग मीन्स इट इज वेरी आइडियल, मीन्स आई कैन से दैट मतलब वो लॉयल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट, स्ट्रीट फास्ट, मतलब क्वालिटीज इन द ह्यूमन बीइंग, मतलब वो लॉयल, उस वो हमेशा उसका चरित्र और लॉयलिटी, हम्बलनेस, वेरी गुड, क्या बात है, देन कैरेक्टर, हॉनेस्टी, खंबीरता से किसी भी डिसीजन को लेना, राइट, ये सब गुण अगर अच्छी तरह से के अच्छी तरीके से अगर अगर किसी भी व्यक्ति में रहते हैं, दैट्स व्हाई मतलब कोई भी चीज वो आसानी से प्राप्त कर लेगा। ओके ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग, थैंक यू। ओके नेक्स्ट भगवान। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ भगवान का हाथ ऊपर था अभी, गजानन माधवी करके, चार लोगों के हाथ ऊपर है। हाँ जी गजानन जी। हेलो सर, आपने जो बोला उसके अंदर सबसे पहला आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, मतलब खुद पर विश्वास, और दूसरा आता है डेयरिंग, मतलब उसके अंदर कुछ भी करने के लिए डेयरिंग चाहिए होती है, और तीसरा आता है उसके अंदर मतलब शार्प माइंड, मतलब अगर कभी कोई भी कंडीशन या फिर सिचुएशन है जिस पर अपन मतलब सब सोचना बंद कर देते हैं, उसी टाइम पे वो अच्छे तरीके से अपने पर कॉन्फिडेंस और सब चीजें देखकर उसको फेस करना, ये चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। क्या क्या बात है सर, बहुत बहुत ही क्लियर है सर आप, थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, थैंक यू। हाँ और दो लोग, भूमिका जी सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर। व्हाट आई फील के आइडियल पर्सन इज अ पर्सन जिसको पता है कि हमसे पहले भी लोग थे, हम भी जी रहे हैं और हमारे बाद भी जिएंगे, सो लीव लाइफ इन दैट वे दैट हमें सारी चीजें अब सिर्फ अपने लिए ना करके वी हैव टू थिंक फॉर एवरीवन। That is the meaning of being ideal, that don't be selfish,
सेल्फलेस होना चाहिए, अपनी लाइफ को किसी और को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए, लाइक स्पेशली इमोशंस. व्हेन इट कम्स टू इमोशन वी गेट एंग्री वेरी वेरी सून. एक्चुअली इन माय प्रोफेशन आई लर्न टू बी पेशेंट. टीचर. So we have to control our emotions. That is the first and foremost thing for being idle for anyone. And I think we idle ourselves. We should idolize ourselves because discipline is the key to everything. Thank you, sir. Okay, well, great, great. Thank you. And thank you for your noble profession. Thank you, sir. Okay, thank you. और कौन लास्ट अभी? प्रतीक कुड़े जी है सर. हां बीच में. हां जी, हां जी. हेलो. हां जी, मतलब आपको इधर सो रहे हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हां, यस यस. फॉर मी, फॉर आइडियल ह्यूमन बीइंग इज द वन हु फॉरगेट्स अबाउट द पास्ट, फोकस ऑन द प्रेजेंट. ओके, द वन हु डोंट रिग्रेट अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड जस्ट फोकस इन द प्रेजेंट. क्या बात है, बढ़िया. ओके ओके प्रतीक जी, थैंक यू. ओके, सो ये आप सब लोगों ने जो भी बोला वो एकदम आपके लिए जो फिट चीजें थी वो आपने बोली, एकदम बढ़िया चीजें हैं. जो जो जिन चीजों ने आपके लाइफ पर असर किया है और जिन पर आपने खुद विचार किया है कि आइडियल ह्यूमन बीइंग का जीवन कैसा होना चाहिए, वो चीजें थी. सो थैंक यू ऑल जो आप चारों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया. सो लेट्स मूव. और भूमिका जी, आपने एक चीज हमको याद दिलाई अभी कि हमको खुद को आइडियलाइज करना चाहिए, तो ये कोर्स भी उसी चीज के लिए है कि हम लोग जो कोर्स में है, 100 लोग हम लोग कोर्स में है, एक्चुअली 90 पार्टिसिपेंट्स है और 10 लोग जो है. मैं फोन कर आदमी के वहीं. ओके, प्लीज म्यूट इंग्रेज सर. हाँ, जो हम लोग है ना, 100 लोग एक्चुअली कोर्स में है, हम लोग भी परिपूर्ण नहीं है. हम जो 10 लोग आपके साथ में है सफल की तरफ से, हमारे अंदर भी ऐसी कुछ है कमियां हमारे बीइंग में कि जिस पर हम भी आपके साथ में उसमें ब्रेक थ्रू लाएंगे. जैसे आपने एक चीज बोली कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना, तो मेरे लिए भी होगा कि मैं खुद को इस चीज में देखूं कि मैं मेरे इमोशंस पर कंट्रोल रखता हूं कि नहीं. और सब भी 100 लोगों के लिए चीज है कि ये कोर्स जो है ये हमारे लिए खुद के लिए है. हम बाहर के लोगों को जाकर नहीं बोलेंगे कि तूने ऐसा करना चाहिए, वो लोग हमको देखेंगे कि यार 15 क्लासेस में इसके साथ में क्या हुआ कि इसकी लाइफ जो इतनी सारी बदल गई. ठीक है, ओके ओके, लेट्स मूव. जो चीजें मुझे जो आकर्षित करती है कि आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, तो वो एक है कि हर समय हर टाइम आनंदी रहना, खुश रहना, और नेचर में जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, उसका मजा लेना, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जीवन का पूरा मजा लेना, उनके सुख दुख में शामिल होना, अपने कर्तव्यों को पूरा करना, लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, आपके आसपास के जो लोग हैं आपको ढूंढना है कि मेरी जरूरत कहाँ पर है इनको, हमेशा शुक्रगुजार रहना, ग्रेटफुल रहना कि मुझे जो खाने के लिए मिल रहा है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरे शहर पर जो छत है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं उन लोगों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ऐसा होना. और लोगों को माफ करने के लिए हमेशा रेडी रहना कि आपके साथ में किन लोगों ने क्या किया, उसको आप जितना जल्दी माफ करेंगे उतना आपकी लाइफ के लिए अच्छा. फिर एक और है, ह्यूमन बीइंग का जो जीवन है उसमें नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, तो वो मानव जीवन है. और हर समय उत्साहित रहना, उत्साह से भरपूर रहना, और जब आपका मन करे तब नाचना, इधर उधर नहीं देखना कि भाई कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कि ये कैसे नाच रहा है, क्यों नाच रहा है, मन किया नाचा, ऐसा जैसे बच्चा होता है वैसे. और सबसे आखिरी में और सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से जो है वो है मन की शांति. जहां पर ये चीज मिल गई वहां बाकी चीजें सब अपने आ जाएगी. सो और ये जो है ना, जो मैंने भी चीजें बताई, ये जो हम लोग अभी लग रहा है कि खास चीजें हैं, वो बचपन में हमारे लिए बहुत ही सरल चीजें थी, इसको हमको ढूंढना नहीं पड़ता था बचपन में. आप देखें ना, आपके आसपास जितने भी छोटे बच्चे होंगे उनके अंदर आपको ये सारे गुण दिखेंगे. इसके बाद मन की शांति है, अर्पित को खुश हो रहा है. हाय अर्पित,
आप देखे आसपास कि वो जो बच्चा है अभी 5 मिनट में किसी से लड़ेगा और 5 मिनट में उसको माफ भी कर देगा, चलेगा चल फिर से खेलते हैं ऐसे, तो वही वापस बचपन वाला अगर लाइफ मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो हम लोग ना यहाँ पर जो आ गए हैं वहां से हम धीरे धीरे बचपन की तरफ वापस जाएंगे सफर के साथ। हमें ना आनंदी रहना, लोग माफ करने के लिए तैयार रहना, मदद करने के तैयार हो, वो सामने वाला स्माइल करना पहले बन जाना, उसके लोग साथ में है। तैयार है वो आप लोग? आर यू रेडी? हाँ, जो जो लोग वीडियो पर है ना वो लोग ऐसा कर सकते एक बार, वी आर रेडी। गजानंद जी, अर्पित, ऋषिकेश जी, मंगेश जी, मंजू मैडम, या थैंक यू थैंक यू। तो वी मूव ऑन टू लेट नेक्स्ट पार्ट, कि हमारा आज का जो पहला हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम मार्ग हमने रखा है, उसको लेट करने के लिए नेमिश तैयार है। नेमिश रेडी? यस सर, रेडी। तैयार हो नेमिश? हाँ हाँ सुरेश भाई। ओके ओके, ओवर टू यू। थैंक यू सुरेश भाई। थैंक यू। सो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत सफल परिवार में। मेरा नाम नेमिश शेषपाल है और एज अ प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल शॉप है मेरा, और मैं मेरे पापा के साथ रहता हूँ। मेरे परिवार में पापा है, एक बीवी है और दो बच्चे हैं, प्यारे से दो बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है जो 13 साल की है और एक लड़का है जो 8 साल का है। और तो फिर हम ये मेरा परिचय है, हम बढ़ते हैं आगे। आज का आप म्यूट हो गए नेमिश सर। हेलो, हाँ ऑडियो बोल, अभी बोलिए बोलिए। हेलो, यस सर, बोलिए नेमिश सर। अरे ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मार्ग। मार्ग हम इसने टॉपिक को क्यों लिया आज? मार्ग बोले तो ऐसा रास्ता बताना जो आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। तो जैसा सुरेश सर ने बताया कि हम काफी सारे बाधाओं से मिलते हैं, उसको फेस करते हैं, तो मैंने भी मेरी लाइफ में काफी सारी बाधाएं को फेस किया है। उसमें से एक बाधा ऐसी थी जो आउट ऑफ इंटीग्रिटी थी। आउट ऑफ इंटीग्रिटी मीन्स मैंने मेरे शब्दों का सम्मान नहीं किया था। तो ये जो चीज है, मैंने मेरे जहां जहां मेरे शब्दों का सम्मान नहीं किया था, वो बाधा कैसी मेरे पे असर किया, उसका असर क्या रहा मेरे जीवन में, इस बारे में हम बात करेंगे। तो फिर ये आउट ऑफ इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ये सब जानने से पहले हम देखते हैं, हम ये देखेंगे कि हम खुद कौन है, मैं कौन हूँ, इस पर जाएंगे, राइट। तो इसके लिए मैं मेरे गुरुजी है, गुरु है जो मेरे आदर्श है सिरीज भाई, इनसे मैं विनंती करता हूँ कि वो आपको बताए कि मैं कौन हूँ इस ये टॉपिक को। थैंक यू नेमिश। नेमिश, बड़ा कठिन प्रश्न है आपका ये कि मैं कौन हूं, और हजारों सालों से लोग ढूंढ रहे हैं अपने आप को कि वो है कौन। तो मैंने जो इसके ऊपर सोचा है नेमिश, कि जब मुझे लगता है ना कि मैं कोई हूं या मैं कुछ हूं, तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों के अंदर पार्टिसिपेंट्स, आप में कुछ साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ टीचर्स भी है यहाँ पर। सो आई वुड लाइक टू आस्क के सूरज के और पृथ्वी के साइज के बीच में डिफरेंस कितना होगा? एनीबडी वांट टू शेयर? सूरज का साइज और अर्थ का साइज, किसी के पास कोई कंपैरिजन है क्या? डज एनीबडी नो अबाउट दिस? एनीबडी, आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके, रचना मैडम इस सर, ये हाँ प्लीज बोलिए। हाँ मैडम, उन्हें अनम्यूट कीजिए अंकित। रंजना मैडम अभी अपने साथ में,
बोलिए मैडम। और किसी ने हैंड रेस किया है? आर्या ने किया है सर। आर्या कीजिए अनम्यूट। हेलो सर। हेलो, हाँ आर्या बताइए। इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 1,000 1 लाख किलोमीटर। वन लाख किलोमीटर इट्स आप जो कह रहे हो ना वो आपने यहाँ से सूरज का डिस्टेंस बताया। सो डिस्टेंस तो सूरज का और हमारा इतना है कि आप लोगों को लाइट का स्पीड पता होगा, लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। यस सर। एंड सूरज से पृथ्वी तक लाइट आने में अराउंड 8 मिनट्स लगते हैं, मतलब 3 लाख × 60 × 8 इतना डिस्टेंस है हमारा और सूरज का। आई एम आस्किंग अबाउट द साइज, किसी को साइज का कोई अंदाजा है क्या? नो सर। ओके, इट कैन नॉट बी काउंटेबल आई गेस। सर सुनीता जी काउंटेबल? हाँ कोई भी चांस दे सकता है एनीबॉडी। क्या जिन्होंने हैंड रेस किया है उसमें से किसी को चांस दीजिए ना, कोई बोलना चाहता है। सुनीता जी को अनम्यूट किया है सर। हाँ सुनीता जी बोलिए प्लीज। हाँ नमस्ते शिरीष भाई। हाँ मुझे लगता है कि सूरज का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। हेलो। यस मैडम बोलिए मैडम। सूरज का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। हेलो सुरेश सर सुन रहे हो आप? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर कंटिन्यू सर। हाँ सुनीता मैडम कुछ बोल रहे थे? मैडम बोल रहे थे कि अर्थ सन का डायमीटर अर्थ से 109 गुना बड़ा है। ओके परफेक्ट, 109 अर्थ सन के अंदर जाएगी। और मैं आप लोगों को थोड़ा आसान कर देता हूं कि अगर अर्थ फुटबॉल है तो अर्थ के सामने सूरज एक 2-स्टोरी बिल्डिंग है। इतना डिफरेंस है अर्थ का और सन का। एंड सन जो है, सन प्लस हमारी सोलर सिस्टम, ये अपनी जो मिल्की वे अपनी गैलेक्सी है उसके अंदर का एक छोटा सा तारा हमारा सन है, और ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे गैलेक्सी में है। दिस इज नॉट न्यू फॉर साइंस स्टूडेंट्स या फिजिक्स जिन्होंने पढ़ा है, बट आई वॉन्ट टू कम टू द डिफरेंट पॉइंट थ्रू दिस के मिलियंस ऑफ स्टार्स से गैलेक्सी बनती है, और यूनिवर्स में ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। मतलब अर्थ फुटबॉल है तो सूरज बड़ा बिल्डिंग है, और सूरज बड़ा बिल्डिंग है तो गैलेक्सी पूरा कंट्री है। एक बिल्डिंग के अंदर, एक कंट्री के अंदर एक छोटा सा बिल्डिंग रहता है ना, वैसा हमारा सोलर सिस्टम है, और ऐसी मिलियंस ऑफ कंट्रीज है। नाउ आई वांट यू टू सी रिवर्स कि आप यूनिवर्स से देखिए अर्थ की तरफ। मान लो आपको यूनिवर्स में जाने का मौका मिल गया और वहां से आप अर्थ को देख रहे हो, व्हाट यू विल सी कि करोड़ों करोड़ों सूरज से भी बड़े अब जो मिलियंस ऑफ तारे हैं, उन तारों में से एक छोटा सा तारा है सूरज, इतना सा। मतलब अगर सूरज के साइज को आप यूनिवर्स के नजर से देखेंगे तो ये आपको सूरज दिखेगा नहीं, इतना छोटा है, इतना बारीक है। तो इतना छोटा सा सूरज, उस छोटे से सूरज के आसपास में कुछ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और उन प्लैनेट्स में से एक टाइनी सा माइक्रोस्कोप में दिखेगा ऐसा एक प्लैनेट है अर्थ, और उस अर्थ के ऊपर एक देश है भारत, उस भारत के अंदर एक स्टेट है महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र में एक शहर है अकोट, और उस अकोट में एक एरिया है जलतारे प्लॉट,
और उस जलता है प्लॉट में एक छोटा सा घर है, उस घर के अंदर शिरीष वंजारा नाम का आदमी बैठ के ये सोच रहा है कि मैं कौन, कोई वजूद है क्या मेरा, डू आई काउंट, मैं इतना छोटा हूं कि मैं कुछ हुई नहीं। मिस्टर आपने मुझे पूछा, आई वैल्यू दैट, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं एक्चुअली कुछ नहीं, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखूंगा यार। मेरा जो लाइफ का स्पैन है ना, वो एंटायर लाइफ, एंटायर जो स्पैन है इन प्लैनेट्स का और गैलेक्सीज का लाइफ का, उसके लिए माइक्रोसेकंड्स भी नहीं है मेरा लाइफ। मुझे लगता है, मुझे लगता है कि ये सारा मेरे आसपास घूम रहा है, बट आई एम नथिंग। अब जब मैं नथिंग हूं तो फिर क्यों ना मैं कंसिडर करूं कि मैं कुछ तो हूं यार, फिर मैं कुछ तो हूं या मैं, मुझे मिलेगा कैसे, ढूंढूंगा कैसे। तो मुझे मिला कि मैं वो जो मैं बोलता हूं, मैं मेरा शब्द हूं। और मैंने ये कंसिडर किया कि हु आई एम इज माय वर्ड, मैं मेरा शब्द हूं। किसी को इसमें कुछ कहना है? सर अल्फिया इज हियर। अल्फिया बताइए। आर्या है सर, आर्या सरदार। आर्या आपको कुछ कहना है इसके? नो सर, नो सर। बोलिए। नहीं ना, ओके थैंक यू। तो रेज हैंड अगर किया है आपने और कुछ बोलना नहीं है तो आप हैंड डाउन कर लीजिए, कर लिया कीजिए प्लीज। तो नेमिश सर, नेमिश सर, लेट्स कंसीडर दैट आई एम माय वर्ड। ओके, यस। तो जैसा सुरेश श्रीज भाई ने बताया कि मैं कौन हूं, तो मेरा शब्द हूं। एग्जैक्टली। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मैंने मेरे शब्दों का सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं आउट ऑफ इंटीग्रिटी हो गया। तो इस संदर्भ में हम ये लेते हैं कि फिर इंटीग्रिटी बोले तो क्या है, व्हाट इज इंटीग्रिटी? किसी ने सुना है इंटीग्रिटी नाम? ये पहली बार सुन रहे हो? एनीवन? अल्फिया है सर। हाँ अल्फिया, यस यस अल्फिया, आपकी आवाज कट रही अल्फिया। यस, जब हम हमारे शब्दों का सम्मान नहीं करते या शब्द का पालन नहीं करते, हमारा वर्ड तोड़ते हैं ना, जब हमारे शब्दों का हम सही से इस्तेमाल नहीं करते और जब हम हमारे शब्द तोड़ते हैं तो वो से इंटीग्रिटी। अच्छा, तब आप आउट ऑफ इंटीग्रिटी होते हो। आउट ऑफ इंटीग्रिटी कहते हैं। ओके ओके, गुड, वेरी गुड, बढ़िया अल्फिया। और कोई इंटीग्रिटी का डिक्शनरी मीनिंग क्या हो सकता है? नेमी सर, ज्ञानेश्वर सर यहाँ पे। हाँ ज्ञानेश्वर सर, हेलो एम आई ऑडिबल सर? हाँ सर, इंटीग्रिटी के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इज कीपिंग योर प्रॉमिसेस एंड एग्रीमेंट्स। ओके, एंड सेकंड लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इज बीइंग ट्रू टू योर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। ओके, एंड थर्ड लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इज ऑनरिंग योर वर्ड एज योरसेल्फ। बढ़िया, एकदम बढ़िया, यस गॉट इट ज्ञानेश्वर जी, गॉट इट, बढ़िया सर। ऑनरिंग योर वर्ड, जो मैंने पहले बताया था कि आपके शब्दों का सम्मान, yes, जब आप नहीं करते हो तब आप आउट ऑफ इंटीग्रिटी होते हो, और आउट ऑफ इंटीग्रिटी जैसे होते हो तो आपकी लाइफ कैसे इम्पैक्ट करती है उस क्षण में, उस स्थिति में, ये हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को हिंदी में अगर हम एक शब्द में बोलेंगे तो उसका मतलब होता है अखंडता। देन व्हाट इज इंटीग्रिटी, अखंडता क्या है? यस एनीवन, कोई बताएगा
सुनीता जी सर या मेरे ख्याल से इंटीग्रिटी का मतलब है संपूर्णता. हाँ, संपूर्णता, अखंडता, जो पूर्ण है और कंप्लीट है. बराबर सुनीता जी, एकदम बराबर. पर यहाँ हमने थैंक यू सर. सिरिजबा ने जैसे बताया कि मैं कौन हूँ, मेरा शब्द हूँ, तो वो संदर्भ में हम देखते हैं कि अगर मैं मेरा शब्द हूँ तो फिर अखंडता क्या है. अखंडता ये है कि मैं मेरे शब्द का सम्मान करता हूँ. वो आई एम शब्दों का सम्मान करने वाला अखंड व्यक्ति, राइट. फिर यह शब्दों का सम्मान क्या है. शब्दों का सम्मान मीन्स जो आप बोलते हो वो आप करते हो, जिस तरीके से बोला उस तरीके से करते हो, जिस समय पे बोला उस समय पे करते हो, और जैसा आपसे अपेक्षित किया जाता है वैसा आप करते हो. इसका एग्जांपल बताऊंगा मैं कि लास्ट ईयर मेरे वाइफ को मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको घूमने लेके जाऊंगा, और मैं ये साल लेके गया था उनको. तो मैंने क्या किया, एक साल पहले किया वादा अभी पूरा कर रहा हूँ. तो ये वर्क नहीं करता है ना. जैसे आप बहुत से लोगों ने डिक्लेयर मेरा एम डिक्लेयर किया होगा कि मेरा एम है इंजीनियरिंग बनना, लेकिन आप 30 साल के बाद पास आउट होते हो इंजीनियरिंग, तो वर्क नहीं करता. आपको जो भी बोला है उस समय पे करना है, उसी समय पे दिए हुए शब्द में जो आप जो समय पे आपने बोला है उस समय पे करना है, राइट. सुरेश भाई आपका क्या विचार इस बारे में. हेलो. हाँ नैमिश सर. हाँ सर. सर इसके बारे में आपका क्या व्यू. हाँ नैमिश सर, जो आप बोल रहे थे वही बिल्कुल सही बोला आपने कि मैं जो हूँ वो मेरा शब्द हूँ, और मेरे शब्दों का मैं सम्मान करता हूँ, तो मैं मेरे अपने आप का सम्मान कर रहा हूँ. और अगर मेरा शब्द खंडित हो रहा है तो मैं ना, जैसे अभी सुनीता मैडम ने कहा कि मैं संपूर्ण हूँ, तो मैं अगर संपूर्ण हूँ, मेरा शब्द अगर संपूर्ण, मैं मेरा शब्द हूँ और मैं संपूर्ण हूँ, तो मेरा शब्द संपूर्ण है, और मैं शब्द संपूर्ण है तो ही मैं संपूर्ण हूँ, तो मैं खंडित हूँ. यस थैंक यू. थैंक यू. और आपने जो कहा कि मुझसे जो एक्सपेक्ट करने वाली बात आप कह रहे थे ना, कि मेरा शब्द वो ही नहीं है कि जो मैं बोलता हूँ. हाँ कि जो मैं बोलता हूँ मेरा शब्द तो वो भी है ना, कि जो मुझसे अपेक्षा की गई है जिसकी. एग्जैक्ट बराबर, राइट. हाँ थैंक यू सर. थैंक यू. फिर यहाँ शब्दों का सम्मान क्या है, राइट. क्या है शब्दों का सम्मान. तो सबसे पहले तो आपके आपके शब्दों का पालन करना है, कीप करना है, पालना है. आपके शब्दों का जो आपने बोला है वैसा आपको करना है, ये हो गया शब्दों का पालन करना. पर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आप अपने शब्दों को पालन नहीं कर सकते हो. तो जैसे भी, जैसे कंसिडर करो, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बोला है कि मैं आज 2 बजे आपको मिलने वाला हूँ, दोपहर 2 बजे, और सुबह 8 बजे मुझे पता चला कि मैं उससे नहीं मिल सकूंगा, तो मैंने उसी समय उसको फोन कर दिया या कांटेक्ट कर लिया कि भाई मैं तेरे को बोला था कि मैं आज 2 बजे तेरे को मिलने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं मिल रहा हूँ, मैं तेरे से तुझसे कल दोपहर 4 बजे मिलने वाला हूँ. तो इससे क्या होता है कि जैसे ही आप उनसे संपर्क कर लेते हो, उससे संवाद कर लेते हो, वैसी जो आने वाली मेस क्रिएट होने वाली है आपके रिलेशनशिप में या वो जगह में, उसको स्वच्छ रखते हो आप, राइट. यहाँ किसी को कोई क्वेश्चंस, किसी को कुछ कहना. अल्फिया को कुछ कहना. हाँ अल्फिया. यस अल्फिया. अल्फिया सर. हेलो. हाँ अल्फिया. सर इंटीग्रिटी के बारे में मेरा मानना ऐसा है कि एवरी पर्सन मस्ट हैव टू स्टे इन इंटीग्रिटी. हेलो. हाँ हेलो. हाँ हाँ अल्फिया सुनिए, दे रही आपकी आवाज. सर आपको मेरी आवाज आ रही. हाँ हाँ अल्फिया आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए. सर इंटीग्रिटी के बारे में मेरा मानना यहाँ तक है कि एवरी पर्सन मस्ट हैव टू स्टे इन इंटीग्रिटी बिकॉज देयर इज नथिंग.
because there is nothing possible without integrity. Exactly. Nothing works. एकदम बराबर. And sir, if we start to stay integrity, so everyone can start to integrity. And because by the cycle of life, every action has reaction and positive reaction. Okay. बराबर है, आपका सही है. पर हम आज इस संदर्भ में देख रहे हैं कि अगर आप आपका शब्द हो तो हम ये देख रहे हैं कि आपका अपने शब्दों का कैसे सम्मान करते हो या कहाँ शब्दों का सम्मान नहीं करते हो, इस विषय में हम देख रहे हैं. राइट, तो वहाँ आपकी इंटीग्रिटी रहती है या आउट ऑफ इंटीग्रिटी होते हो आप, ये संदर्भ से आज का टॉपिक हम देख रहे हैं. क्योंकि हम ये डेली बेस पे हम इसके बारे में या इसके साथ रहते हैं, हमारे शब्दों के साथ. राइट, हेलो अल्फिया. हेलो है सर, अल्फिया अनम्यूट है. ठीक, आगे बढ़े. और किसी कोई क्वेश्चन? यस सर. हाँ सर, हम मतलब हम हेलो. हाँ हाँ सुन रहा हूँ. हेलो. हाँ अल्फिया बोलिए. अनम्यूट है. बस छाया मैडम है यहाँ पे, उनको कुछ कहना है. हाँ बोलिए छाया मैडम. सर आपण जे शब्दावर सांगत आहे त्यावर मला एक असं वाटते की आपण आधी मराठीत म्हणत असे म्हण आहे की बा जसे बोला जसे जसा बोले तसा चाले तसे बोलावे पाऊले. एकदम बरोबर. शब्द देतो तो शब्द पाळणं खूप महत्वाचं आहे, कारण कोणत्याही चांगल्या कामाची सुरुवात ही स्वतःपासून करावं लागते. आपणच जर समजा आपल्यापासून आपण शब्द दिल्यावर जर आपण तसं वागत असेल तर समोरचे आपले आपलं म्हणणं ऐकणार नाही. आणि आपण स्वतःच अस्तित्व दाखवण्याकरता आपल्याला आपण जे म्हणू ते पूर्ण सिद्ध करून दाखवावं लागेल आणि तसंच वागावं लागेल. नाही तर त्याचं एक उदाहरण असं आहे की आपण लहान मुलांना सांगतो तुम्ही खोटं बोलू नका खोटं बोलू नका, पण जेव्हा त्यांच्याशी व्यवहार करताना आपणच खोटं बोलू तेव्हा ते त्या मुलांवर काय परिणाम होईल किंवा आपलं आपण जे बोलू ते त्यांना सत्य वाटेल काय, या एवढंच मला बोलायचं. एकदम बरोबर, एकदम बरोबर. तेच आपण बोलत आहोत, वही बात कर रहे हम की उसमें ऐसा कैसा ऐसा होता है छाया जी की हम अपने शब्दों का पालन ही करना सबसे पहले तो, पर हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते. राइट, तो हम हमारे शब्दों का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम सम्मान तो भी कर सकते, उस विषय में बात कर रहे हैं हम. जैसे हम एक पुरानी कहावत है, रघुकुल रीत सदा चलिया ही, प्राण जाए पर वचन न जाए. राइट, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि प्राण भी बचे और वचन भी रह जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? है ना. फिर हम हमारे शब्द बहुत सी बार ऐसी दे देते हैं बिना हमको मालूम नहीं होता कि हमारे शब्दों का इम्पोर्टेंट क्या है, सामने वाले पे उस पर असर क्या होने वाला है, और ऐसी दे देते हैं. और देने के बाद भी बहुत सी बार हमें ना उस पर विश्लेषण करने लग जाते हैं कि मैंने शब्द तो दिया अब उसको उसका पालन करने का मुझे फायदा क्या, या उसको नहीं पाला उसका नहीं पालन किया तो मुझे नुकसान क्या होगा. राइट, और उसी उस अनुसार हम उसको उसका पालन करते या नहीं करते, या सम्मान करते या नहीं करते. राइट, तो ये सब चीजें है ना, ये सब क्रिया आपको शब्द देने के पहले करनी की है, बाद में नहीं, क्योंकि ये वर्केबल नहीं है, ये काम नहीं करता. ये आपके और उसके रिश्ते में आपके संबंधों में खटास निर्माण करता है और मिस क्रिएट करता है. फिर मैं जैसे बताया कि हर बार हम हमारा शब्द का पालन नहीं कर सकते, सम्मान तो भी कर सकते हैं. सिरीज भाई, इस पे आपके व्यू? हाँ. आपके क्या विचार? कौन सी बात पे बोल रहे सर आप? शब्दों का सम्मान के बारे में. हर बार हम पालन नहीं कर सकते पर सम्मान जरूर कर सकते हैं. हाँ, अभी शब्दों का सम्मान जो अब तब भी मेरी एक बात थोड़ी रहेगी थी उसको भी पूरा कर लेता हूँ मैं. जैसे हाँ. अभी छाया ने भी कहा कि अपन जो बोलते थे अपन मात्र करायला पाहिजे और बोलो तैसा चाले, बड़ा अच्छा उन्होंने शेयरिंग किया. मुझे छाया मैडम से पूछना है कि मैडम अपन जो बोलते तेवढेच आपले शब्द असतात की आणखी काही शब्द असतात आपले, और भी हमारे कोई शब्द है क्या कि हम सिर्फ बोलते हैं वही हमारे शब्द है?
जी हमें बोल तो जितना बोल रहे हैं हम, जैसा मैंने जो बोला कि मैं कल 5 बजे आपके घर आऊंगा, तो वही मेरा शब्द है कि इसके अलावा भी मेरे कुछ शब्द है? सर आप जो कह रहे हो मैं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं विचार तो तुम्हारा परत छाया मैडम है इतना तो शेयरिंग मला आवडलं। मैडम मला सांगा कि जे मी बोलतो ते माझे शब्द आहेतच, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो तो वर्ड्स है ही। कि मैंने किसी को कहा कि मैं तुझे 5 बजे मिलूंगा, तो मुझे मेरा वर्ड है कि मुझे 5 बजे मिलना है। मैंने कहा कि कल 10 बजे मैं आपके घर आके फलाना काम करके दूंगा, तो 10 बजे मुझे उनके घर पहुंचना है। ये मैंने शब्द दिया, उसके बाद में मुझे उसको कंप्लीट करना है, उस शब्द का पालन करना है, राइट? जो आप कह रहे हैं अभी कई ऐसे शब्द है ना जो मैंने दिए नहीं है लेकिन मुझसे अपेक्षित है। जैसे मैंने कभी शब्द नहीं किया कि मैं मेरे माँ बाप की सेवा करूंगा, पर वो मुझे करनी है कि नहीं करनी? हाँ करनी चाहिए मुझे। मुझे कभी काम तो मुझे ऐसा लगता है। हाँ अभी आपको नहीं भी दिए हाँ दिखाना है कि उसे लगना चाहिए कि जिसके जिसने हमारी अपेक्षा नहीं की पर हमने ऐसा बर्ताव किया कि उसको सामने वाले को अपने आप सम्मान आना चाहिए हमारे ऊपर। दैट इज वंडरफुल थिंग। लेकिन कई ऐसे विधि निषेध है ना दुनिया के अपने रहन सहन के कि जहां पर लोगों की मान्यता है। जैसे मैं और मेरा दोस्त दोनों साथ में स्टेशन में ट्रेन से उतरे और मुझे घर जाना है, मेरे पास वहां पर व्हीकल है, दोस्त के पास नहीं है, तो ये मुझे बोलने की जरूरत है कि दोस्त को छोड़ना। मैंने शब्द तो दिया नहीं था उसको छोड़ के दूंगा, मैं बोलूंगा मैंने थोड़ी बोला था कि मैं तो रोज़ छोड़ दूंगा। इज इट पॉसिबल? मुझे उसे छोड़ना है। तो मेरे शब्द सिर्फ वो नहीं है जो मैंने बोले है, मेरे शब्द वो भी है जो मुझसे अपेक्षित है। अब नैमिष सर पूछ रहे थे या नैमिष सर जो बात कर रहे थे कि शब्दों का पालन करना और शब्दों का सम्मान करना, इन दोनों में क्या फर्क है? तो पालन करना मतलब जो मैंने किया वो करना, पर क्या हमेशा वो हो सकेगा क्या कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे? इज इट पॉसिबल? आप में से कोई दावा कर सकता है क्या कि वो जो बोलता है वो करता ही है हमेशा ही? एनीबडी वॉन्ट टू क्लेम दिस कि उसने जितने शब्द दिए हैं वो सब का पालन वो करता है? रिया सर ही है? रिया बोलिए। रिया नो सर इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग हमारे 100% वर्ड्स नहीं कीप कर सकते, और अगर वर्ड्स कीप नहीं कर सकते तो हम खंडित हो जाएंगे। जैसे नैमिष सर ने कहा नहीं है, हमें रहना है अखंड। तो अखंड रहना है तो हमें ये इंटेग्रिटी को रिस्टोर करने की कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, और उस टेक्नोलॉजी की बात आज करने वाले हैं। आज ये सेशन खत्म होने के बाद में ये टेक्नोलॉजी आपके साथ में रहने वाली है हमेशा, कि जो आपको हमेशा खंडित से अखंड की तरफ कैसे जाना इसका एक्सेस देगी, इसका मार्ग देगी। और जैसे ही आप अखंड हो जाएंगे आपको अपने जीवन में जो चाहिए वो करने का एक्सेस मिलेगा। नैमिष सर। थैंक यू श्रीज भाई। जैसे श्रीज भाई ने बताया कि हम हमारा शब्द हमेशा कीप नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते, पर सम्मान जरूर कर सकते। कम कभी कभी परिस्थिति ऐसी भी आती है कि हम दोनों भी नहीं कर सकते। जैसे मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, लास्ट संडे की बात है, मेरा बेटा जो 8 साल का है आर्यवीर, उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि आज शाम को तेरे साथ में मैं पतंग उड़ाने वाला हूँ, राइट? तो मेरी शॉप बंद होने का टाइम कुछ ऐसा हो गया कि घर आते आते मुझे अंधेरा हो गया था। तो घर आने के बाद एकदम नाराज हो गया मेरे पे, अरे पापा आप बोल रहे थे, बोले थे आज मेरे साथ पतंग उड़ाओगे, और अब आए नहीं, समय पर आए नहीं, अब तो अंधेरा हो गया, अब क्या दिखेगा? तो उसका ऐसा रवैया देख के मुझे भी गिल्ट फील हुआ, राइट? और उस जगह मैं पावरलेस हो गया कि यार मैंने बोला था यार मैंने किया नहीं, एक छोटी सी बात थी उसके साथ पतंग उड़ाने की, तो इस जगह मेरी पावर चली गई थी, मैं खंडित हो गया था। तो हमारे पास एक इसको वापस लाने की पावर, वापस लाने की, अपने अखंडता के क्षेत्र में वापस जाने की एक टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ इंटीग्रिटी, अखंडता की बहाली, राइट? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके 5 स्टेप्स हैं, कोई चाहे तो लिख सकता है। हाँ जो ऐसे किसको लिखना है तो लिख सकते हो।
पेन और कागज ले लिया आपने हाथ में? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये घोषित करना है, ये बोलना है कि मैं आउट ऑफ इंटीग्रिटी हूँ, यानी मैं खंडित हूँ सामने वाले व्यक्ति को। जैसे मैंने उसको बोला, हाँ यार मैंने बोला था पर मैंने नहीं किया, राइट, विदाउट एनी रीजन, कोई उसमें कारण बताना नहीं है। सामने वाले ने पूछा तो बता सकते हो, लेकिन अगर नहीं पूछ रहा तो कोई कारण नहीं बताना। नहीं तो हम बहुत सी बार बोलते हैं यार मैं तुम्हें बोला था कि ऐसा करूंगा, लेकिन मैंने मेरे को समय पे काम आ गया और ये सब चीजें है। यहाँ आपको कोई कारण नहीं देना है, मैंने बोला था और मैंने नहीं किया बस। और फिर इसका असर आपको बताना है, जैसे मैंने बताया कि मेरे पे असर उसका क्या हुआ, मेरे पे इम्पैक्ट क्या हुआ कि मैं पावरलेस हो गया, गिल्ट फील हो गया, उस पर असर ये हुआ कि वो नाराज हो गया, कुछ देर तक मेरे से बात नहीं किया उसने, राइट। ये ऐसा हमारा डेढ़ दो घंटा चला और फिर मुझे पता चला, फिर उसकी जिम्मेदारी मैंने ली, उसको बोला मैंने यार मैंने बोला था और मैंने नहीं किया, ये हम दोनों पे असर भी यही हुआ, तो नाराज हो गया, मैं भी गिल्ट फील हो गया और मेरा भी मूड चले गया इसकी वजह से, तो ये दोनों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और मैं आज तुझे नया शब्द देता हूँ, चौथा पार्ट है नया वर्ड देना उसको, कि मैंने उसको फिर बोला कि ट्यूसडे को हम पतंग उड़ाएंगे, तो कब उड़ाएंगे ये भी बोला मैंने उसको, दोपहर को 4 से 7 बजे तक, शाम को 4 से 7 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और हम दोनों एंजॉय करेंगे। अब फिर उसने मुझे एक सवाल पूछ लिया, कैसे पापा आपको तो काम निकल जाएगा तो आप वापस जाओगे, हाँ तो ये भी बराबर है उसका। तो मैंने उसको स्ट्रक्चर बताया मेरा कि मैं कैसे पूरा करने वाला हूँ मेरा शब्द, तो मैंने उसको बताया कि मैं 4 से 7 बजे तक मेरी कोई भी काम मैंने सब छोड़ दिया है, उस टाइम पे कोई काम नहीं रखा है, मैं सिर्फ आपके साथ रहने वाला हूँ, और ऐसा मैंने आपकी मम्मी को भी बोला है और आपकी दीदी को भी बोला है। तो तब उसको लगा कि हाँ आप पापा ये शब्द का पालन करने वाले और मेरे साथ रहने वाले हैं, और एग्जैक्टली वैसे ही हमने ट्यूसडे को ऐसे इंजॉय किया, बल्कि पूरी फैमिली मिलकर हमने इंजॉय किया। तो ऐसा बहुत सी स्थिति में आपके पास आ सकती कि आप शब्द का पालन भी नहीं कर सकते और सम्मान भी नहीं करोगे, नोइंगली अनोइंगली, है ना। तो उस जगह आपकी पावर चल जाती है, तो उसका पावर वापस लाने का, जो खंडित हो गया था आपका शब्द उसको वापस अखंड अखंडता में लाना, ये आप कर सकते हो। नहीं सर। हाँ हाँ सरीश भाई आप बताओ इसमें। हाँ, आपके पांचों पॉइंट्स आपने जो बताए वो शब्द का मतलब, मैं अगर मेरे शब्द का सम्मान कर रहा हूं ना, मेरे मन में अगर मेरे शब्द का सम्मान है, जैसे मैंने आपको समय दिया, आपने आपके बेटे को समय दिया, हाँ, कि हम 3 बजे आएंगे, मैंने एक हमारे मित्र को कल समय दिया था कि हम लोग, मैं आपको 11 बजे फोन करूंगा। अच्छा। और मुझे समझ में आया कि 11 बजे मैं उनको फोन, मुझे 10 बजे समझ में आ गया था कि 11 बजे मेरे घर में गेस्ट रहने वाले हैं और मैं उनको समय दे नहीं सकने वाला हूँ, तो मैंने उनको 9 बजे ही फोन करके बोल दिया कि मैं आपको 10 बजे, आपको जो 11 बजे का समय दिया था तो मैं फोन नहीं करने वाला हूँ आपको, और मैं फलाने टाइम पर आपको फोन करूंगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं ये चीज भी भूल गया था, मेरे बच्चे के साथ संवाद साधना, उसको बोलना, ये चीज भी भूल गया था, और मुझे घर पे आके पता चला कि मैंने इससे बोला था कि मैं आज पतंग उड़ाने वाला हूँ आपके साथ। ओहो, तो आपने उसको बताया भी नहीं था। हाँ, यस, हाँ, ये होता है नेमी भाई। और ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बिल्कुल होता है कि मैं जिसको समय देता हूँ और मैं अगर उस शब्द का पालन नहीं करता हूँ या नहीं करने वाला हूँ, और मैं उसको कॉल भी नहीं करता हूँ, मैं उसको बताता भी नहीं हूँ, तो उस व्यक्ति को यह दिखाई देता है कि इसको मेरी कोई कदर नहीं। हाँ। और जैसे मैं उसको फोन करके बोलता हूँ ना, तो ठीक है उसके मन में आता है कि यार आपने बोला था तो आपने करना चाहिए, लेकिन मैंने फोन कर दिया तो उसके मन में मेरे लिए कुछ तो रिस्पेक्ट पैदा होता है, और फिर मैं जब उससे मिलता हूँ तो आपने जो बोली वो 5 स्टेप्स में फिर से करता हूँ कि हाँ मैंने आपको फोन करके बोल दिया जरूर, पर आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने आपका शेड्यूल मेरे हिसाब से लगा के रखा होगा, मैं आपको मिलने आने वाला था और मैंने आपको फोन करके आके बोल दिया, लेकिन आपने आपका शेड्यूल करके रखा होगा ना, तो ये जब मैं उसको जाके बोलता हूँ और आपने बताई हुई 5 स्टेप्स फॉलो करता हूँ, तब मेरे पावर मेरे पास वापस आ जाती है। तो थैंक यू। और वो रिलेशनशिप में भी जगह, उस जगह पे भी जो मेस क्रिएट है वहां पे भी पावर जनरेट हो जाता है। हाँ, उसका संबंधों में भी उसका मेरे पर का विश्वास बढ़ जाता है ना निमिष भाई। हाँ, एकदम बराबर। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुरेश भाई।
सर आप नैनेश्वर सर है उनको शेयरिंग करना। हाँ बोलिए नैनेश्वर सर। हेलो सर, शीर्ष सर से एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ प्लीज सर। हाँ सर, जैसे आपने एक बोला कि जो अपने जो लोग अपने से एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ तो वो भी एक अपना वर्ड भी है, वर्ड है वो। हाँ, अपने को पूरा करना चाहिए। हाँ सर। तो मुझे थोड़ा एक कंसर्न ऐसा है कि अपन हर एक की एक्सपेक्टेशन अपन पूरा करने में अपने को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता सर। हाँ करेक्ट। तो उसके लिए अपन कभी कभी तो अपन बोल भी सकते हैं कि सर आप अपने को पता रहता है कि ये अपने से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अपन उसको कन्वे कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा एक्सपेक्ट जो आप समझो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मेरे से नहीं होगा। बहुत सी बार तो पता भी नहीं होता कि अपने को सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली सर एक्सपेक्टेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। तो हाँ सर, तो उसलिए आपका मतलब आपको मैं याद दिला दूं कि मैंने साथ में ये कहा था कि आपका एक्सपेक्टेशन जिसको सबकी मान्यता भी है, मतलब जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशन की बात चल रही है, स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन नहीं। स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन यू नीड टू हैंडल स्पेसिफिकली। जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशन इसलिए मैंने दो एग्जांपल जो दिए ना, एक दिया माँ बाप की सेवा का और दूसरा दिया स्टेशन पर से दोस्त को छोड़ने का। तो यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स ना कि कोई रास्ते से गिर गया तो उसको उठा के उसकी हेल्प करना इज नॉर्मल एक्सपीरियंस फ्रॉम नॉर्मल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। तो वो भी हमारे अनकहे ह्यूमैनिटी दिए हुए वर्ड्स है सर। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, नॉट स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस। यस यस थैंक यू। सर बिजनेस में थैंक यू फॉर एक हमारे पास में जनरलाइज्ड जो उसको एक्सपेक्टेशन बोलेंगे वो है कि आपने आपके सुपीरियर का अपने आपके सुपीरियर को आप उसके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं कर रहे बराबर, एंड उसका पीस ऑफ माइंड जाता है। yes. आपका भी पीस ऑफ माइंड जाता है। yes. राइट। तो एक जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशन है कि वी लिव इन विथ पीस ऑफ माइंड, है ना। उस स्थिति में मेरा पीस ऑफ माइंड ना जाए, बस ये मेरा इंटीग्रिटी का लेवल है। इसके बाद मुझे जो करना है मैं करूं विदाउट ब्रेकिंग पीस ऑफ माइंड। उसके बाद मुझे उस सिचुएशन को जैसा हैंडल करना है। सर आई वुड लाइक टू ऐड टू इट। प्लीज ऐड, प्लीज बोलिए। हां देखिए, वो एक्सपेक्टेशंस की जो बात है वो मतलब तीन लेवल पर हमको चेक करनी है। हां, इज इट मॉरल, सेकंडली इज इट एथिकल, थर्ड इज इट लीगल। हाँ, लीगलिटी मॉरलिटी और एथिक्स में अगर वो चीज बैठती है तो वी आर बाउंड, मतलब वो हमारा शब्द बनता ही है, एक्चुअली शब्द बनता है भले हमने नहीं बोला है। राइट। हाँ, अगर इसके बाहर वो जाता है जो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन है तो हमारे वर्ड का पार्ट नहीं है वो। करेक्ट। या थैंक यू। Are you okay, Nanishwar ji? Yes, Nemish. ठीक है। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहे होंगे, क्यों भाई इंटीग्रिटी, क्यों ये सब चीजें करना, राइट? वैसे तो लाइफ अच्छी शुरू है, क्या जरूरत है इस चीज की, चल रहा है ना? किन किन लोगों के दिमाग में चल रहा है बात, कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, गजानंद सर है सर। हाँ बोलिए गजानंद सर। सर हेलो। हाँ गजानंद। हाँ, आप अभी बोले ना कि जैसे सभी को एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपन देने का है, अभी आप बोले कि जैसे इंटीग्रिटी से अपन कैसे सामने वाले को शब्द देना और उसका पालन करना या फिर सम्मान करना। अब एक चीज है कि अपन सम्मान न करते हुए सभी जगह पर अपन अपना शब्द तो दे नहीं सकते, तो इससे अच्छा अपने शब्दों को ब्रेक कैसे लगाना ये तो भी बताइए। मतलब कैसे इससे जो पॉसिबिलिटीज अपन लोगों को बता देते हैं कि जैसा मैं करूंगा, पर अभी कुछ जगह पे इन्होंने जैसे एक मतलब एक
इन्होंने बोला कि जैसे कंपनी वाले अपने से एक्सपेक्टेशन रखते, अब एज अ कंडीशन वो एक्सपेक्टेशन रखते बोले तो अपने पे प्रेशर भी डाला जाता, पर वो ऐसा सिखाया जाता है कि जैसे आप वो कर सकते हैं, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस भी डालते हैं और आपको मतलब वो आपके शब्दों पर आपका खेल करते हैं, आपका काम करते हैं। तो उस हिसाब से अगर कभी अपने अपन जो है वो खुद अगर कभी अपने शब्दों पर कंट्रोल करना सीख गए तो फिर इतनी करने की जरूरत मतलब जरूरत ही नहीं है ना। तो मुझे ये जानने का कि शब्दों पर कैसा कंट्रोल करे, ये सम्मान करे ये तो आ जाएगा, ठीक है सम्मान अपन एक चीज नहीं, तो आपने बोले जो प्रोसेस वो करके अपन उसका लीगली हो जाएगा, पर अगर कभी अपन ऐसा ना करते हुए डायरेक्ट पहले ही अपनी पूरी जो प्लानिंग है प्लानिंग के हिसाब से सब बोला जाए, फिर उसके में अगर कभी अपने से ये पॉसिबल नहीं हो रहा तो अपन स्टार्टिंग में वो सब चीज चेक करके अगर कभी नहीं पूछ रहे तो ये बात बताई नेमिश सर ने गजानन कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो आपको पहले करना है कि ये शब्द मैं पालने वाला हूं कि नहीं, मुझ में ये शब्द पालने की मेरी तैयारी है कि नहीं, मेरा प्लानिंग है कि नहीं, उसके बाद आप वर्ड दो। लेकिन एक बार वर्ड दे दिया उसके बाद आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं करना है, फिर आपको उसका पालन करना है और पालन नहीं करते हो तो सम्मान करना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू हेलो सल्फिया। हाँ बोलिए। Sir, I have one question. हाँ बोलिए अल्फिया। सर निमिष सर ने भी बताया कि इंटीग्रिटी को रीस्टोर कैसे करें। हाँ हेलो। हाँ हाँ बताया। हाँ सर निमिष सर ने भी बताया कि हम इंटीग्रिटी को रीस्टोर कैसे करें, लेकिन सर उसमें सर ने एक और भी कि इंटीग्रिटी को रिस्टोर करते वक्त ये कहो कि ये सर मेरी जिम्मेदारी सर, लेकिन अगर मतलब मैंने अभी किसी को वर्ड दिया कि मैं उससे कल मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन सर अगर मतलब रास्ते में ऐसा हुआ या फिर मेरा कोई एक्सीडेंट है तो कि ये भी मेरी जिम्मेदारी थी। अगर एक्सीडेंट हुआ तो हेलो जो जो हो गया ना अल्फिया। हेलो अल्फिया। और उस वक्त मैं किसी को उसके कॉल भी नहीं कर सकती। आप सुनिए ना अल्फिया, जो हो चुका है ना वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आगे की है, अभी से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है, जब आप रिस्टोर करने जाते हो उसके बाद से आपकी जिम्मेदारी है, उसके पहले की जिम्मेदारी लेके भी आपका कोई मतलब नहीं है ना, पास्ट की जिम्मेदारी हुआ नहीं करती कभी, यू कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पास्ट, यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर ओनली। और नेमिश सर ने जो कहा वो ये कहा कि ये जो मिस हुआ है मेरे वर्ड्स की वजह से, इस मिस को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी, तो वो फ्यूचर में है ना। ओके नेमिश सर कंटिन्यू। हाँ हाँ सर, क्यों थैंक यू अल्फिया, तो क्यों इंटीग्रिटी, क्यों इंटीग्रिटी में रहना क्यों है, वहाँ इंटीग्रिटी राइट। बहुत से लोगों के सवाल होंगे मन में चल रहा होगा, वैसे लाइफ अच्छी चल रही है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। अंकित सर। यस सर। प्लीज वो शेयर चालू कीजिए शेयर स्क्रीन। सभी को ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? देयर इज अ सर्कल।
सर्कल राइट। अब क्या दिख रहा है आपको? व्हील जैसा। व्हील राइट। तो कंसीडर करो ये एक साइकिल का व्हील है राइट। अंकित कुछ लोगों को अनम्यूट कीजिए आप। रेस है ना, है ना? नैनेश्वर सर, तो कंसीडर कीजिए आपका साइकिल का व्हील है राइट। तो इसमें से मैंने एक स्पोक निकाल लिया। हाँ, ये स्पोक्स है साइकिल के राइट। तो ये साइकिल चलेगी क्या? हाँ चलेगी सर, थोड़ी सी चलेगी ना। ये दूसरा स्पोक निकालने के बाद चलेगी क्या? चलेगी, पर पहले जैसी नहीं है ना। अब मैंने ये तीसरा स्पोक भी निकाल लिया। अब सर हार्ड होने के लिए, हाँ हार्ड होंगे मे भी, ये साइकिल की जो रिंग है वो आउट भी हो सकती राइट। अब मैंने ये और एक पांचवा स्पोक भी निकाल दिया। अब चलेगी सर, चलेगी पन कैसा, थोड़ी देर बाद पूरी स्पोक आउट हो सकती और मे भी आप रुक भी सकते हो राइट। तो आपका जीवन भी ऐसे ही है, ये व्हील जो सर्कल है ना ये आपका जीवन है और इसमें जो स्पोक्स है ना ये आपके वर्ड्स है जो आपने बहुत से जगहों दिए हैं और उसका सम्मान या पालन नहीं किया है। इसलिए मैं मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी वाइफ ने है ना पिछले 7 दिन पहले मुझे एक फैन साफ करने बोला था। तो क्या वो, हम इंटीग्रिटी के स्पेस में जब रहते हैं ना तो हम छोटी छोटी से लेके बड़ी चीजों पर भी ध्यान देता है। तो कल रात को ठीक 12 बजे के आसपास मुझे ख्याल आया कि मुझे काम दिया गया था और वो फैन दिख गया। तो मैंने बोला मैं अभी साफ करूंगा। तो बोले अभी 12 बजे क्या करना है? बोला नहीं, मुझे बोला था और जब भी मैं फैन को देखता हूँ ना तब मुझे एहसास होता है कि मेरे को 7 दिन पहले वाला काम बोले हुआ भी अभी तक नहीं किया हुआ है और मैंने बोला था मैं हाथों हाथ साफ कर दूंगा। तो उसी क्षण मैंने कल रात को 12 बजे उस फैन को साफ किया और वो एक ऐसा समाधान हुआ मुझे कि मेरी पावर जैसे वापस आ गई। तो आपको ये देखना है कि ऐसे आपके जीवन में आपने कहाँ कहाँ शब्द किया है, दिया है और उसका पालन या सम्मान नहीं किया है राइट। तो जैसे ही आप छोटी छोटी चीजों को या बड़ी चीजों को देखना शुरू करते हो ना तो वैसे ही आपके क्या होता है जीवन में, ये स्पोक्स वापस से लगना शुरू हो जाते हैं। ईच एंड एवरी सब एरिया लाइफ का, हर एरिया, सिर्फ आपका शॉप या आपकी स्कूल या आपका घर, एक एरिया नहीं, ये हर जगह चल रहा है आपका। अब ये जो पूर्ण साइकिल पहले जैसी हो गई, साइकिल का व्हील, अब ये चल सकती है क्या? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल चल। अच्छा, इस साइकिल से हम रेस जीत सकते हैं क्या? यस सर डेफिनेटली, हाँ जीत सकते हैं। पर पहले जो जब स्पोक निकाले गए थे तब जीत सकते थे क्या? नहीं नहीं। और हमारी लाइफ भी ऐसी चल रही है, हमको क्या है रेस जीतना है, परफॉर्मेंस करना है, वर्क करना है, हम जो चाहते हैं वो पाना है। पर हमारी लाइफ का व्हील कैसा है? ब्रोक है, जो हमको पता भी नहीं। जैसे सुरेश सर ने बताया था पहले पार्ट में कि हम ऑटोमेटिक मोड पे रहते ज्यादातर, ये उसी में का एक पार्ट है कि हमको पता भी नहीं हम कहाँ कहाँ ऐसा कर रहे हैं राइट। यस सर। अंकित सर इसको ऑफ कीजिए। थैंक यू।
इस पर कोई किसी को कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ याद आया है कि हाँ यार यहाँ ये जगह पर मैंने दिया है वर्ड और उस जगह में पावरलेस फील कर रही हूँ या वो क्षेत्र में पावरलेस फील कर रहा हूँ, किसी को कुछ याद आऊंगा तो शेयर भी कर सकता है। आउट इंटीग्रिटी के बहुत से पार्ट है, उसके इम्पैक्ट भी बहुत से ज्यादा होते हैं। मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि हमारे गांव में एक एरिया है राजदे प्लॉट, वहां एक प्रतिष्ठित नागरिक रहते हैं हमारे गांव के। एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक कार का शौक आया उनको, उन्होंने एकदम न्यू ब्रांड कार लाया, रिड्स, मारुति रिड्स। एक महीना तो भरपूर चलाया उन्होंने, फिर क्या हुआ उनका मूड चले गया, उनका जो क्यूरियसिटी खत्म हो गई और उन्होंने गोडाउन में तो उनके पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी उसको। फिर उनको अचानक 3 महीने बाद उसका काम गिरा और उन्होंने बाहर निकाला, तो पहले तो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हुई, राइट। फिर जैसे तैसे स्टार्ट हुई तो उन्होंने धीरे धीरे लाते हुए हमारे गाँव का जो मेन एरिया है, मेन चौक है जिसको शिवाजी चौक बोला जाता है, वहां लाके खड़ी कर दी। इतने में क्या हुआ कि पीछे से आने वाले गाड़ियों का ट्रैफिक जमा होना शुरू हो गया और कुछ दूरी पर वहां पे एक एम्बुलेंस भी आके रुक गई, 108 तो आप सभी पहचानते हो ना, वो भी आके रुक गई और उसमें एक सीरियस पेशेंट बैठा था जो फर्दर इलाज के लिए वो अकोला लेके जाने के लिए उसको कहा गया था। तो ये सब चीजें वो करते रहे, वहां पे देखते रहे कि स्टार्ट हो जाए। फिर थोड़ी देर से बाद उनको सूझा कि मैं मैकेनिक को बुला लेता हूँ, मैकेनिक भी आया, उसने भी देखा तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर उसने क्या किया कि अभी तो ये चालू नहीं होंगी लेकिन उसको साइड में कर लेते हम। तो ये सब चीजों को उनको आधा घंटा लग गया, आधा घंटे बाद वो ट्रैफिक खुल गया और वो एम्बुलेंस भी गई। पर इस दरमियान क्या हुआ पता है कि आकोट से आपको लगा 45 किलोमीटर का रन है जो मुश्किल से 1.5 घंटे लगते हैं, राइट। पर वो व्यक्ति जो सीरियस था वो आधे घंटे बाद नहीं रहा, नहीं रहा वो। Who is responsible this? हमारे जीवन में भी ऐसी चल रहा है, छोटी से बड़ी चीजों पे भी हमारा ध्यान नहीं है। किसी एक आधी छोटी आउट इंटीग्रिटी वाली चीज जो आपके पास है वो कितना बड़ा असर दिखा सकती है लोगों के जीवन पे, आपके जीवन पे, आपको पता भी नहीं है। हाँ सर, आपने बोला तो मुझे याद आया, छोटी छोटी चीजें भी है कहीं। अभी मैं देख रहा था ना, मैं कुछ लिखने के लिए मैंने मेरे हाथ में पेन लिया, वो तो मेरा पेन ही नहीं चल रहा था बराबर, तो मुझे आपके बोले से ख्याल में आ रहा था, कह रहे वो आउट इंटीग्रिटी पेन है मेरा। हाँ, तो वो अभी आपका पेन का काम गिरा तो आपको उठ के जाना है ना। हाँ, उसका असर गिरेगा, आपका क्लास मिस होगा, जो भी उसके साथ जो जुड़ी चीज है। इसी की कोई शेयरिंग? करेक्ट, यस सर। अल्फिया को बोलना है। यस अल्फिया, we have 4 minutes, Nemish. 4 minutes है हमारे पास। Alfia, आपका sharing का, Alfia, hello Alfia. Alfia आपका sharing आ रहा है हम। Alfia सुनिए ना please. हम time के पास में पढ़े, हमारे पास 4 minutes है, हम तो class 4 minutes में हम पूरा करना। और भी कर सकेंगे बेटा। Okay sir, okay. Thank you. So, integrity brings workability in your life, which enhances your performance. Akhandata aapke jeevan mein karyakshamta badhati hai, usko bahal karti hai, right? Then why restoration? Hello? Haan, boliye, sunai de. Akhandata ki bahali kyun? मैंने पूछे बताया था, मैंने 5 स्टेप बताए थे कि अखंडता की बहाली करना है, उसको आपको पावर वापस लाना है, तो क्यों लाना है, राइट। रिस्टोरिंग द इंटीग्रिटी ब्रिंग्स यू बैक इन टू द डोमेन ऑफ इंटीग्रिटी, है ना। जैसे ही आप रिस्टोर करते हो, वो क्रिया करते हो, तो आप फिर से पावर के क्षेत्र में वापस जाते हो। इट अगेन मेक्स यू पावरफुल, होल एंड कंप्लीट, और यह आपको फिर से पूर्ण और संपूर्ण बनाता है, राइट। और
यहां तक तो ठीक है, इंटीग्रिटी एक चीज ऐसी है जो सही गलत अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रिटी ऐसी चीज है जो गुरुत्वाकर्षण के जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उस अनुसार चलता है। जैसे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी का पालन नहीं करते हो या उसके हिसाब से नहीं चलते हो, जो उसके परिणाम आपको भुगतता है, वैसे आपको इंटीग्रिटी के पालन न करने से, उसमें न रहने से आपको उसके परिणाम भी भुगतना ही है, राइट? यहां किसी को कोई सवाल? श्रीज भाई नो हाँ आगे बढ़ा जाए। यस ठीक है, तो हमारा इंटीग्रिटी के बारे में यहां तक बातचीत का आज का क्लास था। इस पे मैं आपको असाइनमेंट बताता हूँ जो आपको करना है, यानी स्वाध्याय। नेमी सर, हाँ सर, एक बात है इंटीग्रिटी के बारे में कि हम खुद को भी कई बार शब्द देते हैं। हाँ बराबर है, और उस खुद को दिए हुए शब्दों का हम पालन नहीं करते क्योंकि हमने किसी के सामने वो बोले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल सुबह 5 बजे जाऊंगा और मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा, मैंने किसी को शब्द नहीं दिया, मैंने अपने आप को बोला है। हाँ। लेकिन क्योंकि किसी को बोला नहीं है, मेरे पास स्वतंत्रता है कि मैं उस शब्द का पालन करूं कि नहीं करूं। Exactly. और मैं उस लिबर्टी का नाजायज फायदा लेता हूं। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो फिर मैं लोगों को दिए हुए शब्द का पालन करता हूं और खुद को दिए हुए नहीं करता हूं। इससे मेरा ये दिखता है कि मुझे लोगों के पालन में इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अच्छा दिखना है उनकी नजर में, लुकिंग गुड में जाकर मैं लोगों के सामने अपने शब्दों का पालन करता हूं, बाकी खुद को दिए हुए शब्दों का मैं पालन नहीं करता। तो आपके इंटीग्रिटी की शुरुआत आपने खुद को दिए हुए शब्दों से होती है। बराबर, ये एक ऐड करना था मुझे, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, ये पॉइंट रह गया था, मिस हो गया था। थैंक यू फॉर एडिंग। ठीक है, तो हमारे पास 2 मिनट है, मैं अब आज का आपका असाइनमेंट पढ़ता हूँ जो आपको करना है, और ये आप सुन भी लोगे तो भी चलेगा, आपको ये व्हाट्सएप पे जरिए आपको अब तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट आप हिंदी, इंग्लिश या मराठी भाषा, किसी भी भाषा में कर सकते हो। इंटीग्रिटी में रहने और आउट ऑफ इंटीग्रिटी में होने के आपके जीवन में क्या अनुभव हुए इस दरमियान, ये आपको लिखना है। स्क्रीन पे भी आपके हाँ स्क्रीन पे भी आ गया, वो भी पढ़ सकते हो आप। थैंक यू अंकित। दूसरा है लॉ ऑफ इंटीग्रिटी, अपने परिवार जनों के साथ डिस्कस कीजिए और उसका अनुभव लिखिए। तीसरा है चीजें कैसे आउट ऑफ इंटीग्रिटी होती है, इसका आपके आसपास के वातावरण में क्या असर होता है, उसका निरीक्षण कीजिए और इसका असर क्या है यहाँ लिखिए। और सबसे मेन, यहाँ क्लास कम से कम 4 लोगों के साथ शेयर करना है आपको, राइट? स्वाध्याय अपने ट्रेनर को भेजना है। हाँ स्वाध्याय हम आपके जरिए पहुंचा देंगे, आपके पास आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है अंकित, हमारे पास कितना टाइम है, कितने मिनट है? टाइम कंप्लीट हो गया सर अपना। ओके थैंक यू। हाँ सिरीज भाई, सो थैंक यू वेरी मच नेमिश सर, थैंक यू। एक चीज बताऊ मैं कि मैं मेरे सफल फाउंडेशन में 2012 से जुड़ा हूँ और मेरा लाइव क्लास का परफॉर्मेंस पहली बार ही हुआ, तो थैंक यू आप सभी का, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी मेरे बडीज हैं, मेरे सहकर्मी हैं, उन सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद नेमी सर, आपने एक बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छी बाधा दूर करने का मौका हमारे पार्टिसिपेंट्स को दिया, जो शब्दों का सम्मान करके उनके उनके लाइफ में जो चाहिए वो हासिल करने की क्षमता इस एक डिस्टिंक्शन के अंदर है। थैंक यू वेरी मच नेमी सर, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सॉरी फॉर टेकिंग 2 मोर मिनट्स, 10:20 को खत्म करने का हमारा वादा था, 10:22 हो गए हैं। तो आप सबको फिर मिलते हैं गुरुवार को, आप सबको असाइनमेंट्स अपने अपने ट्रेनर्स को भेजनी है। अंकित सर सबको अनम्यूट कर दीजिए। यस सर, अनम्यूट ऑल। यस सर, सो थैंक यू।
एंड ऑल गुड नाइट टू ऑल. गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. थैंक यू. गुड नाइट सर. गुड नाइट. Thank you sir. Thank you very much. Good night.